अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से, तो यहाँ पर हम करने लगे हैं नाश्ता। आज का नाश्ता कुछ ज़्यादा हैवी है, जिसमें एग्स भी हैं और पराठा भी है और जो है वो एग्स ब्रेड भी है। तो हमने कर चुके हैं यहाँ पर नाश्ता। यहाँ पर मेरे पास एक लेस रखी हुई है काफ़ी अरसे से, लेकिन मैंने ये लगाई नहीं है अपने किसी ड्रेस में, क्योंकि इसमें जो है वो घुंघरू लगे हुए हैं तो ये आवाज़ करते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह से आवाज़ आना। तो मैंने जो है वो सोचा है कि अब इसको किसी तरीके से यूज़ में लाया जाए। तो अब मेरे जहन में एक इसके लिए एक चीज़ आई है, मैंने इसमें से सारे बॉल्स कर लिए हैं अलग। ये बॉल्स हैं, ऊन के बॉल्स हैं, पता नहीं इसे उर्दू में क्या कहते हैं, आप बताएं मुझे कमेंट करके कि इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक खद्दर की शर्ट है जो मैंने अभी रिसेंटली सिलवाई है, तो ये काफ़ी कलरफुल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर जो है ये बॉल्स लगा दिए जाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है वह इसके दामन पर इन बॉल्स को लगा दिया है और स्लीव्स पे भी मैंने ये बॉल्स लगा चुकी हूँ। स्लीव्स पे बॉल लगाना था मुझे नीचे की तरफ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब हम कोई काम वगैरह करते हैं तो ये काफ़ी जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने जो इसको ऊपर करके लगा दिया है। और आज मैंने भी ज़रा ये थोड़ा सा छोटा सा सिलाई का काम कर लिया है। जी हाँ, तो अब मैं बनाने लगी हूँ कोरमा। कोरमे के लिए जो है वो मैं प्याज गोल्डन ब्राउन करने लगी हूँ। कोरमे की ये रेसिपी जो है वो मैंने अपने एक रिलेटिव से सीखी थी, वो जो है बहुत मज़ेदार सा कोरमा बनाते हैं। असल में वो जो है वो कैटरिंग का काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे जो है वो कोरमे की रेसिपी बताई थी। जब से मैं इस रेसिपी को फॉलो करती हूँ और कोरमा जो है वो हमेशा बहुत मज़ेदार बनता है, सबको पसंद आता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे वो रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अगर आपको कोरमे की ये रेसिपी चाहिए तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपके लिए ये कोरमे की रेसिपी ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि मैंने जो प्याज फ्राई किए थे वो किस कदर क्रिस्पी हैं। आपको उसकी आवाज़ भी आ रही होगी कि ये किस कदर जो है क्रंची हैं। तो ये प्याज फ्राई करने की भी एक टिप होती है, तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है वो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी आगे, तो ये जब मैं रात को हम डिनर करने लगे थे तो मैंने ये कोरमा गरम किया था, तो मैं उसकी वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ। देखें इसका लुक बिल्कुल परफेक्ट आया है। अच्छा, कोरमा हो और उसके साथ जो है वो ताफ्तान या मीठी रोटी खाई जाए तो बड़ा मज़ा आता है। हमारे घर में ऐसा होता है कि रात में जो है वो डिनर के वक्त जो है ना पत्ती वाला दूध ज़रूर लिया जाता है। इसमें जो है वो दूध में ये हम करते हैं कि हल्की सी पत्ती डालते हैं और इलायची और चीनी, बस पत्ती बिल्कुल लाइट डालते हैं ताकि इसका जो है ना कलर आ जाए। तो ये भी जो है वो लंच के सॉरी डिनर के साथ लिया जाता है ये। तो यहाँ पर जो है वो मैंने अपना कोरमा डिश आउट कर लिया है, अब हम अपना करते हैं डिनर। गर्मा गर्म कुलचे और गर्मा गर्म ताफ्तान आ चुके हैं, तो अब हम कर रहे हैं अपना डिनर। डिनर हम कर चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक बॉक्स आया हुआ है, हस्बैंड के फ्रेंड ने भेजा है गांव से, आई थिंक मुल्तान से आया है ये। तो हम चेक करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या भेजा है। तो इस बॉक्स को हम करते हैं ओपन। जी हाँ, तो ये हो गया है बॉक्स ओपन। काफ़ी उन्होंने जो है वो सेव करके हर चीज़ भेजी है। यहाँ पर सबसे पहले जो एक बॉक्स निकला है, आई थिंक ये हलवा है मुल्तान का। अब मैं इसे ओपन करती हूँ। ये शहद की बोतल भेजी है, और देखते हैं कि इसमें क्या क्या निकलता है इस बॉक्स में से। ये देसी घी भेजवाया है उन्होंने। बड़ी अच्छी पैकिंग की हुई है उन्होंने कि कोई चीज़ भी गिरे नहीं, ख़राब ना हो। अब इस दुपट्टे में उन्होंने क्या पैक किया है, खोल कर देखते हैं। जी हाँ, तो ये इन्होंने जो है वो कोई साग भिजवाया है। अब ये किस चीज़ का साग है ये मुझे आइडिया नहीं है, इनसे पूछना पड़ेगा। ये इन्होंने कोई साग भिजवाया, बड़ी मेहनत की है, कटिंग कर कर भिजवाया है, बहुत अच्छे तरीके से पैकिंग करके भेजी है।
ये बीच में जो कोई शॉपर नज़र आ रहा है, ये चेक करते हैं इसमें क्या भिजवाया है उन्होंने। तो ये हम शॉपर निकाल रहे हैं, आई थिंक अंडे हैं इसमें। जी हाँ, तो इसमें है देसी अंडे। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने हमारे लिए भिजवाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह। अंडे जो है वो मेरे ख़्याल से दो दर्जन थे, जिसमें से दो जो है वो टूट गए थे। फिर भी शुक्र है कि बाकी सारे जो है वो सही सलामत पहुँचे हैं। दो जो है वो टूटने की वजह से बड़ा ख़राब गंद हो गया था, तो मैंने जो है वो सारे अंडों को वॉश करके जो है वो अच्छी तरह से उसको साफ़ करके मैंने ट्रे में सेट कर दिया है। ट्रे मेरे पास दो ही थी, तो अब जो बचे हैं वो मैंने बाउल में रख दिए हैं। एक बार उनका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जो है वो हम टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त सोन हलवा। सोन हलवा जो है बहुत मज़े का था। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।